आखिर कैसे? मैं सोच यार अपने शॉर्ट चैनल से हर महीने 2 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई करती है। एंड देखिए गाइस, मैं सोच यार आज भले अपने शॉर्ट चैनल पर मिनी ब्लॉग्स अपलोड करती है, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में 4 मिलियन सब्सक्राइबर फैक्ट वीडियोस डालकर किए थे। अब अगर फैक्ट वीडियो डाल के सब्सक्राइबर बढ़ाए थे तो खुद के मिनी ब्लॉग्स पर व्यूज कैसे आने लगी? एंड देखिए, अगर आप फैक्ट वीडियोस बनाती है तो आज के वीडियो को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आपने ऐसे कई फैक्ट चैनल देखे होंगे जिन पर 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर 1-2 महीने में हो जाती है। उसके बाद क्या, चैनल पूरी तरह डाउन हो जाता है। डाउन होने का मतलब अर्निंग 0। तो आखिरकार मिस होशियार ने ऐसा क्या किया? तो देखिए गाइस, आज के वीडियो के स्टार्टिंग के 3 पॉइंट में मैं आपको मिस होशियार की उन जीनियस स्ट्रेटजीज के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से उनके ब्लॉग्स पर मिलियन में व्यूज आते हैं। उसके बाद 4th पार्ट में बताऊंगा आखिरकार मिनी ब्लॉग्स बनाते कैसे हैं। एंड 5th पार्ट में लाइव दिखाऊंगा कि आखिरकार मिस होशियार अपने शॉर्ट चैनल से सच में 2 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई करती है या फिर नहीं करती है। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब। अब मिस होशियार की पहली वायरल स्ट्रेटजी है इनिशियल बूस्ट। तो आज अगर मिस होशियार कोई नया शॉर्ट चैनल बनाए और उस पर अच्छे से अच्छा मिनी ब्लॉग अपलोड करें, भाई सीधी सी बात है 0 व्यूज आएंगे। तो देखिए गाइस, मिस होशियार ने क्या किया, 5 मिनट क्राफ्ट जो चैनल है उसके बड़े बड़े वीडियोस को कट किया, उन पर वॉइस ओवर करके डालना चालू किया। पहला वीडियो डाला 100-200 व्यूज आए, दूसरा तीसरा डाला तो 2-3 हजार व्यूज आने लगे। उसके बाद मिस होशियार को खुद पता नहीं चला और हर एक शॉर्ट वीडियो पर मिलियन व्यूज आने लगे, लेकिन उनका फैक्ट चैनल ग्रो हो गया। अब यार जिंदगी भर YouTube चैनल से पैसा कमाना है, मतलब कि जो सक्सेस मिली है, जो ग्रोथ मिली है, उसको बरकरार भी रखना पड़ेगा। उसके बारे में कैसे उन्होंने बरकरार रखा है आज तक, आगे जानेंगे। अब मिस होशियार की सेकंड जीनियस वायरल स्ट्रेटेजी है लाइफ से रिलेट करवाना। तो देखिए गाइस, अगर आप अपनी जनता को खुद की जिंदगी से रिलेट नहीं करवाओगे तो आप YouTube से जिंदगी भर पैसा कमा ही नहीं सकते, 2-3 महीने पैसा कमा के रह जाओगे। एंड इस टेक्निक का यूज बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी करते हैं। यहाँ पर मिस होशियार ने दिमाग क्या लगाया, जैसे ही 4 मिलियन सब्सक्राइबर हुए, रोहित राज मोटिवेशन को पकड़ा एंड रोहित राज मोटिवेशन के चैनल पर इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में मिस होशियार ने क्या बताया, क्या बताया, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया कि वीडियो बनाते टाइम क्या प्रॉब्लम रहती है, लोग बाग वॉइस ओवर नहीं करने देते, रोड से गाड़ियां निकलती हैं, ठीक है। और क्या बताया कि मैं यूट्यूबर बनने से पहले नालियां साफ करती थी, और भी कई सारी चीजें बताई, पूरी तरीके से ऑडियंस को इमोशनल कर दिया। और इंडिया में अगर आप किसी को इमोशनल कर पाते हैं तो यार ऑडियंस आपको मतलब भर भर के सपोर्ट करने लगती है, समझ रहे हो ना। उसके बाद मिस होशियार ने क्या किया, मनोज दे के चैनल पर इंटरव्यू दिया, 2 मिलियन व्यूज इस वाले वीडियो पर भी होने वाले हैं। तो यहां से भी मिस होशियार ने जनता ले ली। उसके बाद में क्या किया यार, जो स्टॉक पे चली गई, भाई जो स्टॉक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, समझे मेरी बात को। तो जो स्टॉक पे क्या किया, अपनी जर्नी को स्टार्टिंग से बताया कि कहां मैं पैदा हुई और यूट्यूब से पहले मैं क्या काम करती थी, यूट्यूब के बाद मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए, मैंने स्कूटी खरीदी, मेरे घर में खिड़कियां नहीं थी, खिड़कियां लगवाई, तो ये सारी चीजें बताई। ये मतलब कोई गलत काम भी नहीं है, हर एक बड़े से बड़ा यूट्यूबर इस चीज का यूज करता है, चाहे वो मनोज दे हो चाहे मिस्टर इंडियन हैकर हो, अपनी जर्नी को दिखाती है, अपनी गरीबी को दिखाती है। अब मिस होशियार की तीसरी जीनियस स्ट्रेटेजी है बीटिंग यूट्यूब एल्गोरिथम। तो देखिए गाइस, शॉर्ट्स तो पूरी दुनिया बना रही है, मिनी ब्लॉग्स सब कोई बना रही है, आखिर क्यों 1K 2K व्यूज आने के बाद रुक जाती है या फिर 0 व्यूज आने के बाद में रुक जाती है। 0 व्यूज को जरा साइड करती हैं, 1K 2K से मिलियन में व्यूज कैसे लाती हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। आखिरकार मिस होशियार ने क्या किया, देखिए गाइस, मैं 3 चीजें जो बताने वाला हूं वो मैं अपने वीडियोस में कम से कम 20 बार बता चुका हूं और आज भी बता रहा हूं, क्योंकि उन चीजों को जब आप फॉलो करोगे तभी यूट्यूब आपके शॉर्ट्स को वायरल करेगा, और यही सच्चाई है। और जब मैं सच बोलता हूं कमेंट में गालियां देती है, देते रहो। तो देखिए गाइस, पहली चीज मिस होशियार ने अपने
व्यूड को बढ़ाया। व्यूड कैसे बढ़ाया? व्यूड का मतलब होता है स्टार्टिंग में आपका जैसे शॉट चल रहा है तो उसको कोई छोड़ के ना जाए, उसको जो है 10-15 सेकंड रोक के देखे। तो यार मिस ओस यार लड़की है और स्टार्टिंग में ऐसे कैमरा करके खुद की शक्ल दिखा देती है और जनता तो फिर अपने आप ही रुक जाती है। तो समझ गए ना, मतलब यार लड़की होने का फायदा है, मतलब फायदा है सोशल मीडिया पर लड़की होने का। एंड दूसरी चीज ऑडियंस रिटेंशन। तो देखिए गाइस अभी के टाइम पर यूट्यूब पर एक मतलब कह सकते हैं लहर चल रही है मिनी ब्लॉग्स की, तो जनता पसंद कर रही है इसीलिए ऑडियंस रिटेंशन आ रहा है। और मिस ओसीआर के ब्लॉग्स का, ब्लॉग्स के ऑडियंस रिटेंशन का ग्राफ कुछ ऐसा होता होगा, ठीक है। और तीसरी चीज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट कैसे? लाइक सब्सक्राइब और कमेंट। आपने देखा होगा मिस ओसीआर के किसी शॉर्ट पर अगर 5 लाख व्यूज है तो 50,000 से ज्यादा ही लाइक्स मिलेंगे, मतलब कि 10%। तो लाओ ना व्यूड 80% सुपर होना चाहिए, ऑडियंस रिटेंशन 1 मिनट के शॉर्ट में 80% सुपर होना चाहिए और लाइक्स 10% होना चाहिए। लाओ इन चीजों को बढ़ाओ, सभी शॉर्ट्स वायरल होंगे, नहीं तो अपने शॉर्ट चैनल पर लाखों छोड़ो करोड़ों शॉर्ट वीडियो डाल देना, वायरल नहीं होंगे। समझ गए ना। अब चौथे पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार मिनी ब्लॉग्स बनाए कैसे जाती हैं। इसके बाद बताऊंगा कि आपको जब आपका शॉर्ट चैनल ग्रो हो जाएगा तो आपको किन किन तरीके से आप जो है पैसा कमा सकते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, अर्निंग को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको देखकर जरूर जाना। तो देखिए गाइस मिनी ब्लॉग्स बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपके पास पहली चीज होनी चाहिए कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्यों? जब आप अपनी शक्ल को दिखाओगे मिनी ब्लॉग्स में तो आपको डरना नहीं है, समझ गए। तो दूसरी चीज आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, दिन भर में आपकी जो भी एक्टिविटी है, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप किसान हैं, अगर आप जॉब करते हैं, कुछ भी है यार दिन भर में आप कुछ तो करते होंगे, तो आपने दिन भर में जो भी किया उसको आपने कभी इस वाले सामने वाले कैमरे से इस तरीके से शूट कर लिया, कभी इस तरीके से खुद की शक्ल को शूट कर लिया या फिर सेल्फी वाले कैमरे से। उसके बाद में शाम को क्या किया, आपने एक अच्छी सी स्क्रिप्ट रेडी की डायलॉग के साथ में। देखिए डायलॉग भी आपको देने पड़ेंगे मिनी ब्लॉग्स में। उसके बाद में वॉइस ओवर किया, वॉइस ओवर करके अपने मिनी ब्लॉग को अच्छे से अपने शॉर्ट चैनल पर अपलोड कर दिया। अब पांचवें पार्ट में अपन बात करते हैं कि आखिरकार मिस ओसीआर कैसे अपने शॉर्ट चैनल से 2 लाख रुपए महीने से ज्यादा कमाती है। तो देखिए गाइस शॉर्ट चैनल से कमाने के 2 मेन तरीके हैं, पहला एडसेंस, सेकंड स्पॉन्सरशिप। तो अगर मिस ओसीआर के एडसेंस की बात करें, यहां पर मैंने मिस ओसीआर का चैनल ओपन करके रखा है, मिस ओसीआर के यहां पर देखें अपन तो फरवरी में कितने व्यूज आए थे, 21 मिलियन, ठीक है। यहां पर अप्रैल में 54 मिलियन, ठीक है। यहां पर मई में 46 मिलियन और यहां पर जून में 78 मिलियन। तो मैं ज्यादा मान के नहीं चल रहा, 78 आप छोड़िए, 50 मिलियन लेके चलिए, ठीक है 50 मिलियन। तो 50 मिलियन व्यूज का आसानी से शॉर्ट चैनल पर 25,000 रुपए बन गया होगा। अब आपको एक धक्का लगा होगा कि यार मतलब ये तो यूट्यूब ने हद पार कर दी, इतना कम पैसा। तो देखिए गाइस अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि मिस ओसीआर तो 2 लाख रुपए से ज्यादा कमाती है ना, आखिर कैसे। अब यहीं पर मिस ओसीआर अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए यूज करती है स्पॉन्सरशिप का। मैं आपको जून के महीने की मिस ओसीआर की अर्निंग बताऊंगा, ठीक है। एडसेंस से कितनी हो गई, 25,000 मान लीजिए, ठीक है। अब स्पॉन्सरशिप में देखिए, मिस ओसीआर ने 1 जून को स्पॉन्सर किया था अपने मिनी ब्लॉग में, 4 जून को किया था, ठीक है। उसके बाद 15 जून को किया था, उसके बाद 18 जून को किया था, उसके बाद 23 जून को किया था। टोटल जून के महीने में कितने स्पॉन्सरशिप हो गए, 5। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं सोच यार एक स्पॉन्सरशिप का मिनी ब्लॉग में 25,000 रुपए लेती होगी, ठीक है। कितने हो गए, 1,25,000 स्पॉन्सरशिप के, ठीक है। और एडसेंस के कितने थे, 25,000, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1.5 लाख, ठीक है। उसके अलावा मैं सोच यार अपने चैनल पर लॉन्ग वीडियोस अपलोड करती है, उसका अलग कर लीजिए। उसके अलावा लॉन्ग वीडियोस में स्पॉन्सरशिप करती है इंटीग्रेटेड, उसका अलग ऐड कर लीजिए। मतलब कि 2 लाख से ऊपर बन रहे हैं, समझ गए ना। अगर आपको जानना है कि शॉर्ट चैनल पर स्पॉन्सरशिप कैसे लिया जाता है, यहां इस वीडियो पर क्लिक करो, इसमें मैंने डिटेल में बता रखा है आप 1K 2K व्यूज पर भी स्पॉन्सरशिप कैसे ले सकते हो। अभी क्लिक करो एंड इस वीडियो को
जरूर वॉच करो।